Hi guys, we are here today with the director of Namanum of Rat 2, Mr. Nabil Qureshi. We are here to inquire about the recent ban imposed on Namanum of Rat 2. So over to you, Nabil. Firstly, what is the reason for this ban? I have no idea actually, because the notification I have Ministry of Information, so uske andar koi bhi cheez clearly likhi hui nahi hai ki kis wajah se jo hai film ko ban kiya gaya hai ya kis wajah se jo hai usko review kiya ja raha hai dobara, kyunki film ek mahina pehle release hui hai, usko censor clearance certificate mila hai तीनों सेंसर बोर्ड से, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, और उसके 35 दिन के बाद फिल्म जो है वो 20 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा चुकी है, सक्सेसफुली चल रही है। तो आज वीकेंड पे जो है वो एकदम से मुझे कि सुबह सुबह जो है वो पता लगा कि इस तरह का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि बिल्कुल आई थिंक रिडिकुलस है, समझ से बाहर है बिल्कुल। मुझे लगता है शायद ये कोई बैरून मुल्क से इनको कोई फंडिंग आती है इस तरह की कि पाकिस्तानी साख को नुकसान पहुँचाया जाए, जो कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री एक ऑलरेडी अंडर डेवलपिंग फिल्म इंडस्ट्री है, और उस पर अगर इस तरह के बैन लगाए जाएंगे, बहुत ही स्टूपिड बगैर किसी वजह के बैन लगाए जाएंगे, तो इसको मज़ीद नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई ज़ीरो सपोर्ट होती है एज ए फिल्म मेकर, और ऊपर से ये इस तरह के बैंस लगाते हैं, तो आई थिंक ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। इससे पहले भी इस तरह की दो तीन फिल्म आ चुकी हैं जिसके ऊपर ये महीने के बाद या 15 दिन के बाद बैन लगाने को याद आता है। आई हैव नो आइडिया कि क्या है इस तरीके। व्हाट प्लान ऑफ एक्शन विल यू पीपल टेक ऑन दिस? विल यू पीपल टेक इट टू कोर्ट? यस, डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली गो टू कोर्ट ऑफ लॉ, और ये बहुत ही गलत प्रेसिडेंट है, और जो भी फैक्ट्स हैं वो कोर्ट के सामने आने चाहिए विदाउट एनी रीज़न। मतलब जो मुझे जो मैंने सुना है उसमें लोगों का कहना ये है कि किसी अखबार में जो है वो लिखा है फिल्म के अंदर कुछ जो है वो नाजेबा मनाजिर हैं। भाई ऐसे कौन से मनाजिर हैं? अगर थे तो सेंसर ने फिर क्लियर कैसे कर दिया, और जब क्लियर कर दिया तो फिर 35 दिन के बाद क्यों उतार दिया? सिनेमा एग्जीबिटर्स से हमारी बात हुई है, पंजाब में जो एग्जीबिटर्स हैं उनके पास कोई किसी किस्म की शिकायत मौसूल नहीं। उसके बाद एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है ना, अगर एक फिल्म 20 करोड़ का बिजनेस कर रही है तो विच मीन्स उसको लोग देखने आ रहे हैं, उसको अप्रूव कर रहे हैं, इसीलिए वो 20 करोड़ का बिजनेस भी कर रही है। सेकेंडली हमारे पास सोशल मीडिया है, आजकल कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा पहले पता लग जाती है, ठीक है? तो सोशल मीडिया पे कहीं पर आपने नहीं देखा होगा कहीं पर भी किसी किस्म की लोगों ने ऐसी बात नहीं की। उसके अलावा डिफरेंट अखबार हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, डॉन है, जिन लोगों ने हमारे फिल्म के रिव्यूज़ लिखे, उन रिव्यूज़ के अंदर भी उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं कि इट्स अ फैमिली फिल्म, उन रिव्यूज़ में कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं नज़र आती। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन से ऐसे अनासर हैं जो इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं, किसका क्या इंटरेस्ट है, आई नो आइडिया। With almost 5 weeks running in cinemas, how do you think the ban will affect Namanum of Rat 2? Yeah, definitely affect. अगर आप हमारी पुरानी फिल्म उठा के देखें लाइक नामालूम ऑफ रात पार्ट 1 जब आई थी वो 6 महीने सिनेमा में लगी रही थी, तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि फिल्म का पोटेंशियल कितना होता है। एक्टर इन लॉ आई थी 3 महीना फिल्म में सिनेमा में चलती रही है, तो नामालूम ऑफ रात का भी मैं रन ऑलमोस्ट 3 महीने तो देख ही रहा था, ठीक है ना? तो अब ये पंजाब में, अच्छा सेकेंडली मैं क्लियर कर दूँ, फिल्म सिर्फ पंजाब में बैन हुई है, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद में फिल्म अभी भी नुमाइश उसकी जा रही है, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो बिल्कुल जाके देखें। बट इससे डेफिनेटली बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले लास्ट वीक क्योंकि मुहर्रम थे तो ऑब्वियसली वो वीक पूरा जो है वो डल वीक रहा है, छुट्टियाँ थी बीच में तो ऑब्वियसली सिनेमाज बंद थे। तो अब जब आज वीकेंड से फिल्म वापस पिक करने वाली थी तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आई थिंक ये बड़ा सोच समझ के फ्राइडे वाले दिन जारी किया गया है ताकि फिल्म को वीकेंड पे 3 दिन का नुकसान हो, हम लोग कोर्ट में भी ना जा सकें बिकॉज के कोर्ट बंद होंगे 2 दिन। तो ये बहुत ही मुझे लगता है सोची समझी जो है साजिश है, और रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये अरब शेख है इसके अंदर, उस पर पावर पंजाब गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, या इसके अंदर कोई ऐसे मनाजिर मनाजिर पर तो आपने देखा होगा उस्मान पीर दादा साहब जो कि वाइस चेयरपर्सन है सिनेमा के सेंसर बोर्ड के, उन्होंने खुद समा न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए बोला है कि उनको फिल्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म के अंदर कोई ऐसे वल्गर मनाजिर नहीं है, ठीक है? तो आई हैव नो आइडिया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास कौन से लोग हैं जिन्होंने उनको शिकायत की और नहीं किया। नबील, आपके जो नामालूम अफराद के फैंस हैं पंजाब में, दे आर डिसहार्टेंड बाय दिस न्यूज़, सो व्हाट्स योर मैसेज टू दोज पर्टिकुलर फैंस हु लाइक वांट टू वॉच नामालूम अफराद इन सिनेमास बट दे कांट जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ दिस लॉ? वी आर फाइटिंग दिस केस, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज फिल्म जो है वो वापस सिनेमा में लगेगी और लोग जाके देखेंगे, बिकॉज बहुत ही अनफेयर हुआ है जो भी हुआ। एक तो ये लॉजिकल नहीं है और इसमें जो कोई फैक्ट्स हैं वो भी नहीं है, तो ये बहुत ही मुझे लगता है सिर्फ एक साजिश है फिल्म मेकर्स को डीमोटिवेट करने के लिए कि ताकि वो आइंदा अच्छी फिल्में ना बनाएं, या तो या वो डर के फिल्में बनाएं। आई नो नो क्लू कि वो एग्जैक्टली उनका मकसद क्या है, बट फैंस को डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म वापस सिनेमा में लगेगी और आप देखेंगे इंशाल्लाह।
Okay, this is all we have for today. Let's all stand together with Pakistani film industry, with Naaman Mufarak too, and Nabeel Qureshi as always.